नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साम। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस पर बुधवार को राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य की उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ कर गरीब व जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत देने की अपील की है। योजना के तहत गरीब एवं जरूरतमंद दो पहिया वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मैंने वादा किया था कि गरीब एवं जरूरतमंद दो पहिया वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज से पूरे राज्य में सीएम सपोर्ट्स योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब एवं जरूरतमंद दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए की राशि उनके खाते में सीधे भेज दी जाएगी। 1,04,000 लोगों ने इस योजना हेतु निबंधित किया है। 73,000 का आवेदन स्वीकृति हो चुकी है। सीएम ने कहा कि राज्य में जब चुस्त दुरुस्त पारदर्शी संवेदनशील और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होगी तभी योजनाओं का सुनिश्चित लाभ लोगों तक पहुंच सकेगी। इससे पूर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया और मिली जुली परेड ग्राद की सलामी ली। समारोह के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा झांकी पेश की गई, जो लोगों को कई संदेश देने के साथ सरकार की योजनाओं से रूबरू करवा रही थी। इस अवसर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले झांकियों एवं प्लाटून को मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत किया। सेकेंड इन कमांड SSB 35 बटालियन विजयपुर दुमका, अवर निरीक्षक अजित कुमार। नंबर जो आपको आज यहाँ दिया गया है, इस पर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं और पुलिस विभाग तुरंत ही भावना को दूर कर सशक्त महिला को समाज में स्थापित करने के बल मिलेगा। सरकार के दूसरे वर्ष गांठ के अवसर पर मैंने वादा किया था कि गरीब जरूरतमंद दो पहिए वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जाएगा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में सीएम सपोर्ट योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब एवं जरूरतमंद दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आज तक लगभग 1,04,000 लोगों ने निबंधित कराया है। साथ ही इसके अतिरिक्त साथ 73,000 लोगों को का आवेदन स्वीकृत भी हो चुका है। अभी मेरे उद्घाटन करते ही लगभग 40,000 लोगों के खाते में राशि चली जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी कल्याणकारी योजना को हमारी सरकार ने लागू किया है, जिनका उल्लेख करना संभव नहीं है। साथ ही साथ अभी बहुत और काम करना भी है। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसे झारखंड बनाने के संकल्प लें जो उन सपनों और आशाओं के अनुरूप हो। इसके लिए काफी त्याग बलिदान के साथ के बाद इस राज्य का सृजन हुआ। मैं एक ऐसे झारखंडी की परिकल्पना करता हूं जो गरीब, बेरोजगारी, अशिक्षा एवं भ्रष्टाचार आदि से मुक्त हो, जिसको
साकार करने में आप सभी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं तथा हमारे साथ साथ आप भी अपनी वचनबद्धता दिखाएं। आइए हम सब मिलकर राज्य में स्थिरता, शांति और समरसता का माहौल बनाएं और अपना सृजनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य का सर्वांगीण प्रगति उन्नत को अभूतपूर्व गति और ऊंचाई प्रदान करें। जय हिंद, जय झारखंड। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।